हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द डुगू टॉय टीवी। मैं हूं गौरव और आज मेरे पास एक ऐसा आरसी डायनासोर है जो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है और इसकी डिजाइनिंग इतनी ज्यादा डिफरेंट है कि जब आप इसे देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो फटाफट से इसके अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं इसमें क्या है खास। गाइस, बॉक्स पर जो डायनासोर बना हुआ है वो कितने बड़े साइज का बना हुआ है और गाइस ये टोटली दो कलर्स के अंदर आता है, ब्राउन और ग्रीन। आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं ब्राउन कलर के डायनासोर की, तो फटाफट से अब हम इसको बॉक्स से बाहर निकालते हैं। गाइस, अभी तक आपने अगर डुगू टॉय टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि हम इसी तरह से अच्छे अच्छे वीडियोज आपके लिए लाते रहें। वाओ गाइस, देखिए आप इसका जो साइज है वो कितना ज्यादा बड़ा है और इसकी कंप्लीट डिजाइनिंग गाइस कितनी ज्यादा यूनिक और डिफरेंट लग रही है। इसके साथ हमें मिलता है एक रिमोट और रिमोट की डिजाइनिंग भी गाइस कुछ इस तरह से बनाई हुई है कि जैसे वो पूरे डायनासोर का पंजा हो। गाइस, इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है, काफी सारे फंक्शंस हैं इसके अंदर। अब हम बात कर लेते हैं डायनासोर की डिजाइनिंग एंड क्वालिटी एंड इसके फंक्शंस की। गाइस, इस डायनासोर में सबसे अच्छी जो चीज लगी है ना वो है इसका माउथ और इसकी नेक। गाइस, माउथ में बहुत ही ज्यादा नुकीले टीथ दिए हुए हैं और अंदर की तरफ में एक टंग है। टंग के अंदर जलती है एलईडी लाइट और यहाँ पे आईज में भी एलईडी लाइट जलती है। जब हम इसे ऑन करेंगे तो ये एकदम ग्रीन कलर की हो जाएगी। और गाइस, इसकी सबसे अच्छी चीज है इसकी नेक और इसका मैकेनिज्म। यहाँ पर एक जॉइंट है जिसके थ्रू ये अपनी नेक को बहुत ही अच्छे तरीके से अप एंड डाउन कर सकता है। गाइस, आप देख रहे हैं जो डायनासोर की बॉडी जो है वो कितनी ज्यादा सॉलिड है। इसके पीछे की तरफ में जो लेग है उसमें टोटली 2 टायर्स दिए हुए हैं जिससे ये बहुत ही अच्छे से रन कर सकेगा। और पीछे की तरफ में इसकी जो टेल है उसमें भी एक छोटा टायर दिया हुआ है जो इसे रन करने में बहुत ही अच्छे से सपोर्ट करेगा। गाइस, आपने जरूर नोटिस किया होगा कि डायनासोर की काफी ज्यादा प्रजातियां हुआ करती थी। उनमें से एक प्रजाति ऐसी भी थी जिसकी पीठ पर इस तरह की कोई डिजाइन यानी कुबट निकली हुई होती थी। हमारा डायनासोर बिल्कुल वैसा ही लग रहा है और जब हम इसे ऑन करेंगे तो यहाँ पे जलेगी लाइट। गाइस, जो पूंछ है वो यहाँ पर एक ज्वाइंट है जिससे ये अलग भी हो सकती है और यहाँ से वापस भी ज्वाइंट हो सकती है। इसके नीचे यहाँ पर है सेल की जगह, टोटल इसमें 3 सेल गाइस डले हैं। रिमोट के अंदर 2 सेल डले हैं यानी टोटल 5 सेल आपको डालने होंगे और फिर हमारा जो डायनासोर है वो बहुत ही अच्छे से रन करेगा। तो फटाफट से अब हम इसको प्ले करते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह से रन करता है और इसमें क्या क्या फंक्शंस हैं। गाइस, हमारे पास है एक आरसी स्पाइडर, उसके साथ हम इसकी फाइट भी कराने वाले हैं और कॉम्पिटिशन भी कराने वाले हैं। तो वीडियो को आप पूरी देखिएगा, आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। वाओ गाइस, जैसे ही हमने इसको ऑन किया है इसकी जो रोर है वो कितनी ज्यादा तेज है, ये कितनी तेजी से दहाड़ मार रहा है। और गाइस, इसमें जो लाइटिंग सेटअप है आप देखिए, आइस के अंदर जो लाइट जल रही है वो भी कितनी ज्यादा डेंजर लग रही है। और इसकी जो डिजाइनिंग है वहां पर जो लाइटिंग की स्टाइल है वो बहुत ही ज्यादा यूनिक लग रही है। गाइस, ये है इसका रिमोट। रिमोट में काफी सारे फंक्शंस हैं। सबसे पहले हम इसको आगे की तरफ में मूव करते हैं। वाओ गाइस, देखिए जो डायनासोर है वो क्या स्टाइल से आगे की तरफ जा रहा है और अपनी जो नेक को शेक कर रहा है। गाइस, वो तो कमाल ही लग रहा है। गाइस, इसका सेकंड फंक्शन जो है वो है इसकी नेक को जब ये शेक करेगा। वाओ गाइस, देखिए एक बार आप दहाड़ सुनिए डायनासोर की कितनी ज्यादा जबरदस्त है। कंप्लीट रूप से अपने आगे वाले हाथ और नेक को कितने अच्छे तरीके से शेक कर रहा है। गाइस, ये इसका डांसिंग मोड है। ये इसका फाइटिंग मोड है। गाइस, अब एक तरफ तो है आरसी डायनासोर और एक तरफ है आरसी स्पाइडर, दोनों की डिजाइनिंग ही कितनी ज्यादा डेंजर लग रही है। आरसी स्पाइडर जो है उसकी आईज के अंदर रेड रेड रोशनी निकल रही है और हमारा जो आरसी डायनासोर है वो ग्रीन लाइट निकाल रहा है। गाइस, अब इन दोनों में फाइट कराते हैं, देखते हैं कि कौन जीतता है। वाओ गाइस, एक बार आप दहाड़ सुनिए आरसी डायनासोर की। वाओ गाइस, एक तरफ तो जो आरसी स्पाइडर है वो अपना जो स्मोक है वो निकाल रही है और दूसरी तरफ जो डायनासोर है वो रोर कर रहा है। गाइस, जितने जबरदस्त आरसी स्पाइडर के लेग्स हैं उतने ही जबरदस्त हमारा जो आरसी डायनासोर है उसके पंजे हैं। दोनों आपस में एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं। गाइस, अब हम दोनों का रन टेस्ट करते हैं। फ्लोर पे दोनों बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लग रहे हैं। सबसे पहले हम स्पीड बढ़ाते हैं हमारे डायनासोर की।
गाइस डायनासोर जो है वो बारी बारी से एक एक लैग करके आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे, और हमारा जो स्पाइडर है हम उसे ऑन करते हैं। वाओ गाइस स्पाइडर जो है वो एक ही बार में काफी तेज स्पीड से आगे निकल जाता है, यानी स्पीड का तो जो मास्टर है वो तो स्पाइडर है सभी जानते हैं, लेकिन पावर का जो मास्टर है वो है हमारा आरसी डायनासोर, जिसकी लुकिंग गाइस देखिए आप कितनी ज्यादा शानदार लग रही है। आप फ्रंट लुक इसका देखिए, जब ये चलता है तो ऐसा लगता है कोई असली डायनासोर ही हमारी तरफ आ रहा है। इसकी जो एलईडी लाइट चलती है गाइस फेस के अंदर और इसकी आईज के अंदर वो कितनी ज़्यादा ही अच्छी लग रही है, और इसकी जो कूबड़ निकली हुई है यानी इसकी जो पीठ पर डिजाइनिंग है वो इसको अपने आप में बहुत ही ज़्यादा यूनिक एंड डिफरेंट बना रही है। गाइस अब हम दोनों की आमने सामने से फाइट कराने वाले हैं। गाइस हमारा आरसी डायनासोर जो है वो स्पाइडर की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, और जैसे ही हमने स्पाइडर को ऑन किया है स्पाइडर इसके अंदर घुस गई है। गाइस स्पाइडर की तो बात ही कुछ अलग है, देखते हैं गाइस कौन जीतता है। गाइस स्पाइडर जो है वो हमारे आरसी डायनासोर को बिल्कुल भी आगे की तरफ में नहीं जाने दे रही है, लेकिन डायनासोर की जो पावर है उसके आगे आरसी स्पाइडर को हटना पड़ रहा है। गाइस देखिए आरसी स्पाइडर जो है वो अपने आप डायनासोर के आगे से हट गई है और दूसरी तरफ से इस पे वार कर रही है, इसके पंजों को अपने लेग्स के अंदर जकड़ लिया है, लेकिन आरसी हमारा जो डायनासोर है वो अपने रास्ते पर चलता रहता है। गाइस अब आरसी स्पाइडर की भी कंप्लीट वीडियो हमारे चैनल पर देख सकते हैं, वो वीडियो भी गाइस बहुत ही ज्यादा जबरदस्त थी। गाइस आरसी डायनासोर तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और डुगू टॉय टीवी पर आने वाली हर एक वीडियो के लिए बेल आइकन को जरूर हिट करें। जय हिंद जय भारत।